रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉन इंडियन नई पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 4, ठीक है। ये पोस्ट रैली स्पेशल है और नवंबर एग्जाम में आ रहा है, उसके लिए तो मैं आपको लगातार सिक्वेंस वीडियोज प्रोवाइड कराता हूँ जा रहा हूँ। एक दो दिन से फिजिक्स का वीडियो नहीं आया तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, कल से आपकी वीडियो रेगुलर आने लग जाएगी फिजिक्स की, ठीक है। तो देखो आज का अपना पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी है, ठीक है, 100 पाई टी है। धारा का वर्ग माध्यमूल मान यानी कि IRMS वैल्यू, धारा की IRMS वैल्यू आपको बतानी है। तो सर धारा की IRMS वैल्यू होती क्या है, IRMS बराबर होता है आपका वी नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है, कितना, आई नॉट अपॉन रूट टू, इतना होता है। अब सर ये आई नॉट कहाँ से लागू है, तो यहाँ पर आपको पता है मूल समीकरण क्या होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, आपको साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर तुलना कराओगे तो आई नॉट की वैल्यू कितनी निकला, यहाँ से 60 निकलेगी ना, तो यहाँ पर रख दो यानी कि 60 अपॉन अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 रूट टू अपॉन, देखो यार रूट दो हो जाएगा तो दो से कट गया ये, यानी कि 30√2 जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है आपको 30√2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन करा रहा हूँ आपको आपको, ठीक है। उसके बाद भी आपके लिए एक ई बुक तैयार की है जो कि बहुत ही कम मान कि 2 से 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम 5 दिन में आपके आगे वो आ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पूरी फिजिक्स का रिवीजन करने के लिए, बेस्ट ई बुक तैयार की लिए आपके लिए। उसके बाद भी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपको एग्जाम तो ऑनलाइन ही देना है, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए परीक्षा आपसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर उसे डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको A4X, A4Y, नेवी, AA, SRMR इन सभी के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस सेट आपको परचेज करने पड़ेंगे, जब परचेज करोगे तो एक कोड का ऑप्शन आएगा इंडियन V50 यूज कर लेना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये इंडियन V50 कोड है जो आपका आप दिसंबर तक वैलिड करा दिया गया आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, निम्न ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त गैस है, जो आपका सबसे कम है, जो निम्न ताप है उसको मापने के लिए सबसे उपयुक्त गैस कौन सी, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो जो निम्न ताप मापने के लिए उपयुक्त गैस है वो आपकी हीलियम है, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, तो उसका आयतन प्रसार गुणांक होगा, आयतन प्रसार गुणांक आपका क्या होगा। देखो अगर आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है, क्या होता है आपका अल्फा अपॉन 1 बराबर बीटा अपॉन 2 बराबर गामा अपॉन 3, ठीक है, गामा अपॉन 3, तो जी होता है आपका क्या, आयतन प्रसार गुणांक, ओ यही में संबंध पूछ रहा है। तो आयतन प्रसार गुणांक निकालोगे तो इन दोनों को आपस में बराबर करोगे, ठीक है, क्योंकि बीटा के पद में आपको आंसर दिख रहा है, तो बीटा के पद में आंसर दिख रहा है। तो सर देखो सर क्या हो जाएगा, 3 बीटा अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा आपका, गामा के बराबर हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है 3 बीटा अपॉन 2, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ताप का जो संचरण होता है वो कैसे होता है, चालन द्वारा होता है, जल के विलुड़न द्वारा होता है, या प्राकृतिक संवहन द्वारा होता है, या इनमें से कोई आंसर आपका सही नहीं है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जो ताप का संचरण होता है वो होता है आपका प्राकृतिक संवहन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा, जो आपकी गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है वो चक्रीय प्रक्रम में बढ़ती है, नियत रहती है, घटती है या नवती, ठीक है। तो सर चक्रीय प्रक्रम की बात करें तो उसमें जो गैस की आपकी आंतरिक ऊर्जा होती है वो नियत रहती है, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लांक नियतांक क्या होता है आपका, ई बराबर एच न्यू, ठीक है, ई बराबर एच न्यू होता है, इसमें जो एच है वही तो है आपका प्लांक नियतांक, यानी कि एच बराबर ई अपॉन न्यू हो जाएगा। ई क्या होती है आपकी ऊर्जा, यानी कि ML^2 T^-2 इतना हो जाएगा, अपॉन देखो न्यू क्या होती है आपकी आवृत्ति, आवृत्ति कैसे तोड़ोगे 1/T में, तो 1/T लपक कर कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो आपका T^1। तो देखो एक ये दो ये तो चला जाएगा ना, एक यहाँ से क्या जाएगा ML^2 T^-1, M^1 हो जाती है, ठीक है, M^2 1 लिख सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, ML^2 T^-1, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको बल और ऊर्जा की बीमा याद होनी चाहिए, आप 90% बीमाओं को फाइंड कर सकते हो, पता है आपको बल और ऊर्जा की बीमा अगर आपको याद है तो, बल की होती है ML^T^-2, ऊर्जा की होती है ML^2 T^-2, ठीक है, ध्यान रखो इन दोनों को, आप 90% आप बीमा को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मॉड में ए प्लस बी बराबर मॉड में ए माइनस बी है, तो ए और बी के बीच का कोण,
ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे बोथ साइड स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a.b cos थीटा बराबर इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a.b cos थीटा, ठीक इतना हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर से ये चला गया आपका, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, 4a.b cos थीटा बराबर जीरो। अब देखो ये सारा भी जीरो, कॉस थीटा बराबर जीरो क्या निकला यहाँ से, कॉस थीटा बराबर जीरो। कॉस में जीरो कितनी वैल्यू होती है, 90 की होती है ना, कॉस 90 की, तो वही हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं समझना है, अगर कॉस को जीरो में ले जाओगे तो ए डॉट बी बराबर जीरो आएगा, ए डॉट बी बराबर जीरो आएगा। अब आपको ये भी पता है कि डॉट ए डॉट बी बराबर जीरो यानी कि किसकी कंडीशन होती है, लंबवत की। जब बोल देता है वो लंबवत है तो क्या करते हो, ए डॉट बराबर जीरो तो करते हो, तो लंबवत की ही तो कंडीशन है, तो भी आपको पाई बाई टू आंसर सही हो जाएगा। ठीक, कैसी भी आप समझ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक पिंड का सरल रेखा में विस्थापन, जो आपका विस्थापन मान के चलो एक्स मान लो, ठीक है, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि सर ये अनुक्रमानुपाती है किसके, टी के स्क्वायर के, ठीक है। तब क्या पूछ रहा है आपको, पिंड का त्वरण पूछा जा रहा है। तो देखो पिंड का त्वरण आप कैसे फाइंड करते हो, जब भी आपको विस्थापन दे रखा है तो वेग यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। और जब बात आती है किसकी, त्वरण की, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन दर क्या कहलाती है, आपकी त्वरण कहलाती है। तो सर यहाँ हमको विस्थापन दिया हुआ है, तो इसमें मुझे विस्थापन में परिवर्तन दर निकालूंगा तो वेग निकल आएगा, यानी कि dx/dt बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2t का हो जाएगा, ठीक है, 2t का हो गया। अब देखो सर अभी क्या बन गया हमारा, ये जी बन गया हमारा वेलोसिटी, वेग बन गया, यानी कि विस्थापन का एक बेर अवकलन, एक बार अवकलन किया तो क्या बन गया हमारा वेग, क्या बन गया सर ये हमारा वेग बन गया, विस्थापन का एक बार अवकलन किया वेग बन गया। अब क्या करूंगा, वेग का अवकलन कर दूंगा, यानी कि dv/dt कितना हो जाएगा सर ये आपका 2। तो इसमें कोई टी का टर्म आ रहा है, आप इसमें टी बराबर जीरो रखो तभी ये कितना रहेगा, 2 रखेगा, 1 रखो तभी 2 रहेगा, 3 2 रखो तभी 2 रहेगा, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, कोई इफेक्ट पड़ रहा है टी का, यानी कि इसका मान क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका विस्थापन है dv/dt ये क्या जाएगा आपका, जो त्वरण है जो ए बन गया ना, dv/dt क्या बन गया, ए बन गया। तो जो आपका त्वरण है वो क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर कहाँ है, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि टी की वैल्यू कुछ भी रखो कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घर्षण बल है, असंरक्षी बल है, गुरुत्वीय बल है, स्वतः समायोज्य बल है, या प्रत्यानयन बल है। तो आपका घर्षण बल कैसा है, आपका असंरक्षी बल है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल और स्यान बल आपके असंरक्षी बल हैं, बाकी ज़्यादातर बल जो कौन से आपके गुरुत्वाकर्षण बल होता है या इलेक्ट्रिक बल, चुंबकीय बल, कौन से आपके संरक्षी बल होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, के बराबर p²/2m, ठीक है। तो स्क्वायर वाल टर्म दिख रहा है आपको, स्क्वायर वाल टर्म दिखे आपको, आपको प्रेशर वृद्धि दिया है, तो आपको कैसे करना है सर, आपको करना है p+q+pq/100, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कभी भी, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ रही, यानी कि इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू कितनी 50 प्लस 50×50/100, ठीक है। तो 0 0 कितना हो गया, ये आपका 100 हो गया, प्लस कीजिए 55, तो क्या दिख रहा है आपको कितना हो गया, 125, 125%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पूर्ण प्रत्याशित टक्कर के लिए आपका ई बराबर 1 होता है, ई ग्रेटर देन 1 होता है, ई लेस देन 1 होता है, या ई बराबर 0 होता है। तो पूर्ण अप्रत्याशित टक्कर के लिए, यानी कि पूर्ण प्रत्याशित टक्कर के लिए आपका होता है ई बराबर 1, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि वी नॉट तथा वीई क्रमशः कच्छी वेग और पलायन वेग, यानी कि जो वी नॉट है वो आपका कच्छी वेग है और जो आपका वीई है वो आपका पलायन वेग है, हो तो वीई बराबर वी नॉट होगा, वीई बराबर 2√2 वी नॉट होगा, या वी नॉट बराबर √2 वीई होगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सर जो आपका पलायन वेग होता है वो क्या होता है, वीई बराबर होता है √2 gr, ये तो होता है आपका। लेकिन और जो कच्छी वेग होता है आपका, जो कच्छी वेग होता है वो क्या होता है, वी नॉट बराबर √gr। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, gr √2 टुकड़ा हो जाएगा, तो वी बराबर √2 वी नॉट, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द्रव का दृढ़ता गुणांक होता है, जो द्रव का दृढ़ता गुणांक होता है आपका 0, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित है, आपके चार्ज के नियम पर, वॉल के नियम पर, पास्कल के नियम पर, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये आपके आधारित है पास्कल के नियम पर, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है,
पेंटगन आधारित है आपका, बर्नौली के सिद्धांत पर, बॉयल के नियम पर, फेराडे के नियम पर, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपका जो पेंटगन है सर वो आपका आधारित है बर्नौली के नियम पर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, केशकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण, स्पर्श कोण कितना होना चाहिए आपका, स्पर्श कोण न्यून कोण होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए या समकोण होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका न्यून कोण, ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वो क्या आपका, विस्थापन है, गतिज ऊर्जा है, आवर्तकाल है या स्थिति ऊर्जा है। ठीक है, तो आपका जो सरल आवर्त गति है वो उसमें आपकी नियत रहता है आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द्रवण के समय किसी पदार्थ का ताप नियत रहता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, सो सर आपका द्रवण के समय जो किसी पदार्थ का ताप है वो आपका नियत रहता है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है, आपका जो समतापी प्रक्रम होता है उसमें आपका क्या स्थिर रहता है, जो मैं आपको क्रैश कोर्स करा रहा हूँ उसमें मैं आपको कराऊंगा समतापी, समदाबी और उद्धोष्म, तीनों को बताऊंगा, या मुक टेस्ट है तो समझ लो बस, समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है आपका, तो आपकी आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा था क्या स्थिर रहता है। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्रोत का ताप बढ़ने पर कार्बन इंजन की जो दक्षता है, स्रोत का ताप बढ़ाओगे तो कार्बन इंजन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, ननोदी। ठीक है, तो कार्बन इंजन की दक्षता आपकी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, अनुगमन वेग का मान की कोटि आपकी क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए बोला है 10^-6, ऑप्शन नंबर बी 10^-7, ऑप्शन नंबर सी 10^-2, ऑप्शन नंबर डी 10^-4। तो अनुगमन वेग की जो कोटि होती है सर वो आपकी होती है 10^-4 कोटि का, ऑप्शन नंबर जो सी डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता आपकी बढ़ती है, घटती है, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, ननोदी। ठीक है, तो सर आपकी जो ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता है वो भी आपकी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है, जो व्हीटस्टोन सेतु होता है आपका उसका प्रयोग क्यों किया जाता है आपका, धारा मापने में, प्रतिरोध मापने में, धारा व प्रतिरोध दोनों मापने में, या ननोदी। ठीक है, तो सर आपका व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध मापने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है आपका, क्या अपरिवर्तित रहता है, वेग अपरिवर्तित रहता है, केवल चाल अपरिवर्तित रहती है, गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, या बीवसी यानी कि गतिज ऊर्जा व चाल दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो सर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो आपके चाल और गतिज ऊर्जा दोनों ही आपके अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना टोटल स्कोर कमेंट में कमेंट करके बताना कि आपका टोटल स्कोर कितना रहा। ठीक है, फिजिक्स का डर खत्म करने के लिए आपके लिए जो ई बुक आ रहा है वो बस दो से चार दिन, बस चार दिन मैक्सिमम लगेंगे, चार दिन के अंदर आपका पास आपका ई बुक आ जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन है, उसे फॉलो जरूर कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हेल्प कर देना, किसी और की हेल्प करना चाहें तो उस पर शेयर कर देना। ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइज़।